वेलकम दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और लाइफ टाइम आपके ये काम आएगा, तो इस वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों देखा जाता है कि खास तौर पे गवर्नमेंट जितने भी सेक्टर हैं, जितने भी डिपार्टमेंट है, जहां पर आपको कोई काम कराने के लिए जाना है, चाहे वो पेंशन से रिलेटेड हो या नगर परिषद का कोई काम हो, रजिस्ट्री से रिलेटेड कोई वर्क हो, और या फिर कोई बैंक में आपको कोई काम हो, अगर आपके काम को करने से कोई कर्मचारी इनकार करता है या जानबूझ करके लापरवाही बरतता है, डिले करता है, अब ऐसे व्यक्ति से हम काम कैसे करवाएं? ऑन ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है कि जब वो ड्यूटी पर है तो जो काम उसको दिया गया है वो करना ही होगा, उससे इनकार नहीं कर सकता। करता है तो कर्तव्य निर्वहन नहीं कर रहा वो, और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो सबसे पहली सिचुएशन ये कि हमने किसी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम किसी डिपार्टमेंट में गए और वहां जाकर के हमने हमारी फाइल दे दी, हमारी फाइल नंबर पे नहीं आ रही है और दूसरों की नंबर पे आती जा रही है। अब इनडायरेक्ट वे के अंदर वो अपनी जानबूझकर इतनी नहीं ले रहा है क्योंकि वो अपन से कुछ खर्चा चाहता है, ये उसका इनडायरेक्ट वे है। आप समझ जाओ कि भाई खर्चा दे दो काम हो जाएगा, ये उसका इनडायरेक्ट वे आपको समझाने का, हमें पैसा नहीं देना है, हमें हमारा काम करवाना है। तो हम ये बात बोले उससे कि भाई मेरी फाइल में क्या दिक्कत है, ये काम क्यों नहीं कर रहे आप, अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो मुझे बताओ। तो उसका काम है, उसकी ड्यूटी है, वो बताएगा आपको भाई ये ऑब्जेक्शन है आपकी फाइल के अंदर, अगर कोई वर्कलोड है तो वो बता भाई। अब मेरी फाइल आई है तो मेरे बाद वाली फाइलों में काम नहीं होना चाहिए, जब तक मेरी भी नहीं हो उसके बाद ही होगा दूसरी वाली फाइलों में, अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो अभी बता, मैं सॉल्यूशन करता हूं। ये अपनी बात अपन कह सकते हैं उस ऑफिसर से जो भी आपका काम कर रहा है डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट में। फिर भी वो आपकी सुनवाई नहीं कर रहा, आपकी फाइल को ध्यान नहीं दे रहा, चाहे वो दूसरे की फाइल कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन आपकी फाइल पे, फाइल के ऊपर उसका कोई भी ध्यान नहीं है, लापरवाही कर रहा है, काम नहीं कर रहा, डिले कर रहा है। अब क्या करोगे? तो अपन उस डिपार्टमेंट का जो हेड है या उसका सुपीरियर है उसको लिखित में शिकायत देंगे फला व्यक्ति की, भाई फला व्यक्ति ये जो कर्मचारी है आपका वो मेरे काम को नहीं कर रहा। अगर वो एक्शन लेता तो अच्छी बात है, अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो ऐसी स्थिति के अंदर आप SDM और DM को भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही जनप्रतिनिधि हैं और आपके लिए ही बैठे हुए हैं। सिंगल एक व्यक्ति भी जाकर के अपनी एप्लीकेशन दे सकता है कि सर फला डिपार्टमेंट के अंदर मैंने काम करवाने के लिए कार्य दे रखा है, मेरी फाइल वहां रखी है, लेकिन फला कर्मचारी कार्य नहीं कर रहा, इसकी लिखित शिकायत मैंने संबंधित हेड ऑफिस के, उसके जो हेड है, सुपीरियर है, उसको भी की थी। तो कुल मिलाकर के हमने अपडेट दे दिया, हमारी जो समस्या है उसको फाइल में वर्क नहीं कर रहा, उसकी शिकायत हमने उसके सुपीरियर को की। देन क्या करेगा, या तो SDM को भी दे सकते हैं आप और DM यानी कलेक्टर को भी दे सकते हैं आप। तो ये क्या करेंगे, उसको नोटिस जारी करेंगे उस व्यक्ति को कि भाई फला व्यक्ति ने जो फाइल आपके समक्ष पेश कर रखी है उसमें कार्य क्यों नहीं कर रहे हो, उचित कारण दो। तो वो उचित कारण आप देखें, अगर आपको लग रहा है कि वो एक्चुअल में उचित कारण है तो ठीक है, लेकिन अगर वो उचित कारण नहीं है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ इस्तीगासा भी कर सकते हैं। इस्तीगासा मतलब उसकी शिकायत कोर्ट में कर सकते हैं, मामला दर्ज कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति के खिलाफ 166 IPC के तहत और 166 AIPC के तहत। अब दोस्तों अगर मान लो उसी डिपार्टमेंट के अंदर, जिस डिपार्टमेंट में आप गए हैं, वो आपसे बदतमीजी कर रहा है, आपका काम भी नहीं कर रहा है, बदतमीजी भी कर रहा है, गाली गलौज भी कर रहा है, अभद्र व्यवहार भी कर रहा है, तब आप सीधे इस्तीगासा कर सकते हैं इस सिचुएशन के अंदर, जब बदतमीजी, गाली गलौज और अभद्र व्यवहार कर रहा है 166 504 IPC के तहत और वो भी संबंधित न्यायालय के अंदर, जहां सिचुएशन जिस जगह की है ना उससे संबंधित न्यायालय लगता है, आप वकील से मिलकर के कोर्ट में शिकायत करके मामला दर्ज कर सकते हैं इस व्यक्ति के खिलाफ। ये तो ही एक बात। अब वो इनडायरेक्ट वे के अंदर आपसे रिश्वत मांग रहा था, ये दूसरी सिचुएशन हो गई, या वो डायरेक्टली आपसे रिश्वत मांगता है। अभी एक लेटेस्ट घटना बताता हूं मैं, झुंझुनू के अंदर 3 पुलिसकर्मियों को, एक DSP और 2 कांस्टेबल को रंगे हाथों एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा है, क्योंकि वो दहेज प्रताड़ना के केस में कार्रवाई करने के लिए जो परिवादी था उससे डिमांड कर रहे थे 2 लाख रुपए की। परिवादी समझदार था, जागरूक था, उसने किया अपने अधिकार का इस्तेमाल और यूज करा अपने दिमाग का। अब दोस्तों कोई भी ऑफिसर हो, चाहे वो पुलिस वाला हो या जिस डिपार्टमेंट में आप कार्य करवाने के लिए अपना गए हैं, आप उस बंदे को यस बोलते कि ठीक है मैं तैयार हूं पैसा देने के लिए, आपको एंटी करप्शन ब्यूरो केवल हेड ऑफिस में संपर्क करना है, अपने जिले के एंटी करप्शन ब्यूरो में गलती से भी संपर्क ना करें, क्योंकि मेरा तो विश्वास नहीं है, वहां से जो बात है वो आउट हो जाती है और संबंधित व्यक्ति, जो व्यक्ति है वो सतर्क हो जाता है। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी कि हमें क्या करना है, सीधे हेड ऑफिस के अंदर, जैसे मैं स्टेट में राजस्थान से हूं तो हम सर्च करेंगे हेड ऑफिस एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ राजस्थान, तो आप जिस स्टेट में उस स्टेट का हेड ऑफिस करेंगे आप सर्च, वहां से आप कॉन्टेक्ट नंबर लेंगे,
उसके बाद उस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप इंफॉर्मेशन देंगे जो आपके साथ हो रहा है भाई। आपसे आप मान लीजिए कि आप एफ आई आर दर्ज कराने गए थे, वहां पे पुलिसकर्मी ने आपके एफ आई आर को दर्ज करने से मना कर दिया, या फिर आपसे दर्ज कर ली करा कि भाई कार्रवाई करने के लिए इतना पैसा दे, जब जाके कार्रवाई करूंगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर, या फिर अभी मेरे एग्जाम्पल लिया आपको 498A वाले मामले के अंदर कि भाई कार्रवाई जब करेंगे हम तो 2 लाख रुपए दे दो, तो ऐसी स्थिति में हम हेड ऑफिस के अंदर ये सूचना दे दी हमने। अब वो कहेगा कि भाई एक काम करो, आप एग्री कर जाओ और पैसे देने के लिए तैयार हो जाओ, डिसाइड कर लो कब देना है। तो कुछ पैसा आपसे मंगा लेता है, वो जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसकी अपने रिकॉर्ड में एंट्री करता है, जिससे कल को प्रूफ कर पाएगा वो इजीली इस चीज को, कि प्रूफ कर देगा कोर्ट में कि साहब फला तारीख को आप उपस्थित हुए थे, मेंशन करके इतने नोटों की हमने एंट्री की थी, उनके नंबर हमने ये डाउन एड किए थे, हमारे रजिस्ट्री के अंदर अंकन है इस बात का। और दूसरी चीज, ये केमिकल लगा करके आपको पैसा दिया जाता है, और एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से भी कुछ पैसा एड किया जाता है, देन वो पैसा भी आपको दे दिया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है यहां पर कि आपको ये लगता होगा कि यार एंटी करप्शन ब्यूरो से भी हमें कोई खास उम्मीद नहीं है, लेकिन दोस्तों हेड ऑफिस से आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इनका तरीका इतना जबरदस्त है कि ये जिस जिले के अंदर कार्यवाही करने वाले ना, उस जिले की जो एंटी करप्शन ब्यूरो है ना, उस ब्रांच को कानो कान कुछ भी खबर नहीं होती, उनको बताते ही नहीं हेड ऑफिस वाले। अब जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम इस घटना का, जो कि मैंने अभी बताया आपको, डीएसपी और 2 कॉन्स्टेबल को पकड़ा, तो जयपुर की टीम गई है कहां, झुंझुनू के अंदर, यानी झुंझुनू की जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसको पता ही नहीं है कि कोई कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो यहां पे करने वाली है, क्योंकि अलग स्टेट, जो अलग जिला है ना, अलग जिले की एंटी करप्शन ब्यूरो टीम को लेकर के हेड ऑफिस जाता है, और एक बंदा जानता है सब कुछ, बस उसको ही फॉलो करना है, वो मेन ऑफिसर है। अब दोस्तों इन लोगों से जो भी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम के साथ जा रहे हैं, वो बंदा क्या करता है, उन सब के मोबाइल को छीन लेता है एक तरीके से, हम कह सकते हैं समझने के लिए, यानी उन लोगों के पास उनका पर्सनल मोबाइल नहीं होता है, केवल उनकी तरफ से वॉकी टॉकी दे दिया जाता है, और उसी से वो संपर्क करेंगे, किसी अन्य व्यक्ति से वो बात भी नहीं कर सकते। पूरी टीम फिल्मों की तरह आप देखते हैं लोकेशन सेट करके बैठ जाती है, उसके बाद रंगे हाथ पकड़ना ही इनका मेन उद्देश्य रहता है, जिससे कि जो उनकी कार्रवाई है वो पुख्ता हो जाए और आसानी से ऐसे व्यक्ति को कन्विक्शन करा सकें। अब दोस्तों जब आप पैसा देना जाओगे तब वो आपको फॉलो करेंगे अच्छी खासी डिस्टेंस से, और रंगे हाथ उस व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास करेंगे, और जब रंगे हाथ ऐसे व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति की जमानत होना कम से कम मान के चलिए कि 5 से 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन बहुत इजीली निकल जाते हैं, मतलब वो जेल जाएगा, जेल जाते ही जब 24 घंटे से अधिक समय हो गया, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको जॉब से निलंबित कर दिया जाएगा, सस्पेंड भी हो गया वो। आपकी आधी जीत तो यहां हो गई, पूरी जीत हो जाएगी अगर आप अपना जो पक्ष है वो कोर्ट में भी जाके रख देते हैं, जिस तरीके से आपने पुलिस को यानी एंटी करप्शन ब्यूरो को बात बताई, उसी तरह से आप कोर्ट में जाकर के अपनी बात रख दें, वो प्रूफ दे दें, और बाकी का प्रूफ देने की जिम्मेदारी तो अपनी टीम की है, एंटी करप्शन ब्यूरो की। तो ऐसे व्यक्ति को देखो सबक मिल गया, पहली चीज कि उसको उसकी जॉब उसी टाइम चली जाएगी, दूसरी चीज उसको कन्विक्शन हो गया तो परमानेंट टर्मिनेशन हो जाएगा उस व्यक्ति को, और दूसरे लोगों को भी सबक मिलेगा जो उस डिपार्टमेंट से आते हैं। इस तरीके से आप ऐसे व्यक्तियों को सबक सिखा सकते हैं, और कहीं ना कहीं डर इनके मन में डाल सकते हैं कि हाँ कि भाई हम तुझे पैसा नहीं देंगे और काम तुझे करना पड़ेगा, क्योंकि तेरी ड्यूटी है, तेरा कर्तव्य है, ये तो करना ही पड़ेगा। तू ये नहीं कह सकता कि मेरी कमर दुख रही है, कमर दुख रही है तो छुट्टी ले ले भाई, अगर तू ऑन ड्यूटी ऑफिस में बैठा है ना तो फिर तुझे काम करना पड़ेगा, अदरवाइज मेडिकल ले घर बैठ। इस तरीके से हमें थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, और इसी तरह से हम ऐसे व्यक्तियों को घर बिठा सकते हैं जो कि आलसी भी है और दूसरी चीज भ्रष्टाचारी भी है। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ 166 AIPC के तहत, 166 IPC के तहत, और जो रिश्वत मांग रहा है उस व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया जाता है, और भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 में ऐसे व्यक्ति को 3 साल तक की कम से कम सजा हो सकती है, और अधिकतम 7 साल तक की सजा और जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। तो उम्मीद है आपके पास समझ में आई होगी, इस तरह से आप ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाएंगे, मैं जानता हूं आप इसको करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो इसको जरूर शेयर करना, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको ये बात कही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।